हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी वन रेंज के अंतर्गत निहाल तराई भाबर वन के आरक्षित क्षेत्र में हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट चुकी है। वहीं कालाडूंगी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अमित वासाकोटी ने बताया कि कैंप कॉर्बेट रिसोर्ट में 10 से 12 वर्ष के हाथी का शव प्राप्त हुआ है। मृत हाथी के शव को पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आरक्षित वन क्षेत्र से लगते हुए कैंप कॉर्बेट रिसोर्ट में एक नर हाथी का लगभग 10 से 12 वर्ष पुराना शव प्राप्त हुआ है। अभी उसको हमारी टीम ने देखा है। अभी इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो डॉक्टर्स कहेंगे उसके बाद इसके मौत के कारणों का पता चल पाएगा। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।